केंद्र सरकार ने कृषि कानून में बदलाव कर दिया, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग मंचों से इसका विरोध कर रही है। केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक इसका जमकर विरोध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी इसके खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज कांगड़ा के नगरोटा बगवा में कांग्रेस कार्यकर्ता इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे और जमकर हल्ला बोला। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार के बीचों बीच रैली निकाली और कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। इस दौरान पूर्व मंत्री जीएस बाली ने भी कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाया और केंद्र सरकार पर किसानों के हितों को उद्योगपतियों के पास गिरवी रखने का आरोप लगाया। जीएस बाली ने कहा कि केंद्र सरकार संसद के अंदर बगैर बहुमत धक्काशाही कर रही है। मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार ने 3 ऐसे कानून बनाए जो कर्मचारियों और किसानों के विरोधी साबित होंगे। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने कामगारों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। बना दिया जिसके बारे में कोई भी चर्चा पार्लियामेंट में हुई नहीं, और तीसरी बात एक और बिल बनाया, ये आपको हैरानी होगी उस एक्ट के बारे में सुनकर, लेबर एक्ट। जो लेबर एक्ट बनाया उसमें इजाजत मिल गई इंडस्ट्रियलिस्ट को कि 8 से 12 घंटे की 8 के बजाय 12 घंटे काम ले सकता है, 12 घंटे तक काम ले सकता है लेबर से, और जिसके पास 300 से ज्यादा लोग हों वो कभी भी किसी को निकाल सकता है। ये नई कानून व्यवस्था जो बनी है ये बड़ी निंदनीय है, ये कभी गुरु ने नहीं बनाई, कभी मुगल राजाओं ने नहीं बनाई। मोदी जी की सरकार कैसी आई है जो ऐसे कानून बना रही है, और जयराम की सरकार है जो इसका साथ साथ अनुमोदन किए जा रहे हैं। जीएस बाली ने ये साफ किया कि ऐसे विधेयक कभी पुरातन काल में नहीं बने, लेकिन मोदी सरकार आंख कान बंद करके सिर्फ मनमर्जी कर रही है। देश में कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों में अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे साबित होता है कि बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है। अब रोहतांग टनल उद्घाटन हो रहा है, जो खुशी की बात है। हम प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री झूठ न बोलकर सबके योगदान को गिनाएंगे। टनल के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पर तो उन्होंने कहा कि इसका हम स्वागत करते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे, और ये क्योंकि रक्षा के भारत की रक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टनल है, मगर ये विजन जो था ये नेहरू जी से लेके सोनिया गांधी जी, अटल जी, सब ने इसको सपोर्ट किया, और मगर असली रूप देने के लिए 2010 जून में इसका फाउंडेशन स्टोन यूपीए की अध्यक्षा उस वक्त की श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया, और 2012-13-14 में 4.5 किलोमीटर टनल बन के तैयार हो गई थी। टोटल इसकी लेंथ 8 किलोमीटर है, तो 14 से 20 तक भी 4 किलोमीटर और बने। तो हम ये चाहेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन है और विजन जो कांग्रेस पार्टी का था उसको कोई भी दरकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी कल अपने भाषण में हमें अपेक्षा है कि इसका जिक्र भी जरूर करेंगे। नगरोटा बगवा ही नहीं, प्रदेश के कई हिस्सों में कांग्रेस ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किए। कृषि कानून, हाथरस कांड जैसे कई मुद्दों को हवाला देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन का रुख अख्तियार किया हुआ है। देश भर में हो रहे ऐसे कई आंदोलनों का क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ऐसे कई मुद्दों पर कांग्रेस जरूर फ्रंट फुट पर आकर सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। वर्तमान में किसानों का मुद्दा और महिला सुरक्षा को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी जिस तरह सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है, उसका असर आने वाले दिनों में हिमाचल में देखने को मिल सकता है। कारण, हिमाचल में अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन चुनावी माहौल अभी से नजर आने लगा है। ऐसे में ये दो मुद्दे राज्य में बीजेपी और सरकार को परेशान करेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट। या तो रखे सारा अभिमान। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।